गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं से विषय हिंदी और विषय महाराज की कक्षाओं से पाठ नंबर 14 है पहलवान की खोल। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुख्य विषय पात्र क्या है। जो हमारा लेसन है पहलवान की खोल, इसमें ये है जो लोक कला हो कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी। ठीक है, श्याम नगर के समीप गाँव जिसमें मलेरिया हो ऐसा फैला, सिसकियाँ और घराने की आवाज़ें, लुट्टन पहलवान की खोलक, विधवा सास, श्याम नगर की राजा चांद सिंह बच्चा नाम से वो प्रसिद्ध। स्टूडेंट्स, ये लेसन है पहलवान की खोलक। इसमें बताया गया है यानी कि कहानी है एक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाए। तो श्याम नगर के समीप एक गाँव था जिसमें ये मलेरिया और मैदा जैसी भयानक बीमारियाँ फैली हुई। रात को यानी घोर अंधेरे में सभी झोपड़ियों से, क्योंकि गरीब लोग थे खास रूप से उनकी झोपड़ियों में रहते थे, तो झोपड़ियों से सकने और घराने की आवाज़ें आ रही थी। कुत्तों के रोने की, सियारों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जो जो पहलवान थे, जो लुट्टन पहलवान थे, मतलब इन सभी दर्दों को चीरती हुई इनको ऐसा करती हुई प्रतीत होती थी, यानी लोगों के मन में वो विश्वास जगा था। एक बार क्या होता है कि श्याम नगर में मेला लगा होता है। इस श्याम नगर में मेले में दंगल हो रहा होता है। दंगल में एक जो मुट्टन पहलवान था, बचपन में इसके माता पिता का सर्वनाश हो गया था और बचपन में इनकी शादी हो गई थी, तो शादी के होने के कारण जो सास थी है विधवा सास ने ही इनका पालन पोषण किया था और पालन पोषण करके फिर ससुराल में रहते हुए ये पहलवान बने। तो जहाँ पर ये रह रहे थे वहीं पर ईशान नगर में जो मेला लगा था वहाँ पर एक चांद सिंह पहलवान को उन्होंने चुनौती दे डाली, जो सेन का बच्चा नाम से बहुत प्रसिद्ध था, बहुत बड़ा पहलवान था। और लुट्टन पहलवान ने उस चांद सिंह को दंगल में हरा दिया। एक सबसे खुश होकर वहाँ के राजा ने इसे अपने राज्य में रख लिया था और इनके लिए प्रेरित खाने के लिए सब कुछ मुफ्त में दिया था। लेकिन कुछ में बीत जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर अनावृष्टि के कारण वर्षा बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई और क्या होता फैजा मलेरिया गरीबी जैसी बीमारी वो फैल गई, तो राजा ने उनकी बीमारी से पीड़ित होकर उनका सर्वनाश हो गया। लेकिन उनके स्थान पर क्या हुआ कि विदेश से यानी विलायत से, क्योंकि वहाँ के राजा बाहर भी रहते थे विदेश के जाके, तो वहाँ से जो राजा आए थे वो विलायत ही रहते थे, उन्होंने जो दंगल का स्थान था वहाँ पर फिर वो भी देश के लिए आपको निश्चित कर दिया और सभी जो राज्य में जो राजा थे वो सब पे फेरबदल कर दिए। तो इससे जो मुल्तन पहलवान था वो बेरोजगार हो गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो गाँव में वापस चला गया। तो वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का भी सर्वनाश हो गया और दो बच्चे उनके हो चुके। तो लुट्टन पहलवान क्या करने लगा कि वो अपने बच्चों को दोनों बेटों को पहलवान बनाना चाहता, उनको अच्छा खिलाता पिलाता बच्चे से पोषण करता और कुछ चलाने के लिए कुछ शिष्य आने लगे थे उनके पास, यानी कुछ बच्चों को वो पहलवानी सिखाता था, बोला बजाना सिखाता था, पहलवानी सिखाता था। तो उसी समय गांव में भी भयानक बीमारी फैल गई, फैजा मलेरिया का फैला हुआ था, कुछ वर्षा नहीं हो रही थी जिसके कारण हमारी गरीबी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो दर्द के मारे लोग रात होते यानी ज़्यादा रात होने से पहले शाम होते ही अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाते थे। तो कभी ना कभी मतलब कोई भी रात ऐसे नहीं जाते थे कि किसी ना किसी घर में कोई मौत ना हो, तो सभी और घराने की और उसी सत्र की आवाज़ें आती थी। लेकिन लुट्टन जो पहलवान था वो अपने ढोलक की तान से पूरी रात लोगों के घर में विश्वास और जिद जो आशाएँ थी वो बढ़ता रहता था। एक बार क्या हुआ कि लुट्टन के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आ गए, दोनों बेटों को भी उनको फैजा हो गया और देखते ही देखते वो दोनों भी
उसने लोग जो गांव के लोगों के विश्वास को टूटने देने के लिए अपने घोड़े को अपने चलते चालू रखा। एक दिन जब उसके शिष्य सुबह आते हैं उसके पास शिक्षा लेने के लिए उसके सीखने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि जो लूटन पहलवान होता है उसके जो मृत सिर था उसको सियार ने आधा खाया था और सिर को खा चुके। तो इस समय